हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना हुआ है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा पार्ट क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। कभी कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट डायग्राम दे दिया जाता है और आपसे बोर्ड एग्जाम में उनकी लेबलिंग करने को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन से पार्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट बच्चों दिया गया है इसको बोलते हैं यूटेरिन फंडस, ठीक है। यूटेरिन फंडस हो गया। उसके बाद में यहाँ का ये जो पार्ट दिया गया है इसको बोलते हैं यूटेरिन कैविटी, यानी ये वाला जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको यूटेरिन कैविटी बोलते हैं और इसे हम यूटेरिन फंडस बोलते हैं, ठीक है। ये पता होगा, ये जो पार्ट निकला हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब होती है हमारी, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब को भी कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जैसे इस्थमस, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, इस्थमस हो जाता है। ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एम्पुला हो जाता है। और ये वाला हमारा इनफैंडिबुलम पार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो ओवरी होती, एक ये और एक ये। तो ये हमारी क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओवरी होती हैं, ठीक है। बट ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर बच्चों, इसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स के बाद में ये वाला जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनॉल। और नीचे का ये जो पार्ट है हमारा वजाइना हो जाता है, ठीक बच्चों। अब उसके बाद में यहाँ पर भी कई सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ये वाला, यहाँ से ये वाला जो इनर पार्ट है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो बाहर का ये पार्ट दिया गया इसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने इन पार्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी ले ली, हमें पार्ट पता चल गए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पार्ट्स जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज सिर्फ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम के बारे में सिर्फ जानेंगे, फिर उसके बाद में हर एक पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अब हम टर्म को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे ओवरी है, तो देखो ओवरी का काम क्या होता है, भाई एग प्रोड्यूस करना फर्टिलाइजेशन के लिए। वही पार्ट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ओवरी प्रोड्यूस एग फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। ओवरी, ये जो ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये क्या करती है कि फर्टिलाइजेशन के लिए एग प्रोड्यूस करती हैं। भाई फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, ओवरी एग प्रोड्यूस करती हैं, जैसे टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है। लेकिन एग प्रोड्यूस होने के साथ साथ बच्चों क्या होता है, यहाँ से कई सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हार्मोन्स कौन कौन से आ जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एंड्रोजिन्स, ठीक है। ये तीन हार्मोन्स भी हमारे इस ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यूटेरिन फंडस क्या होता है। तो देखो, यूटेरिन फंडस हमारा जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग यूटेरिन फंडस बोलते हैं बच्चों। सर्विक्स इज द ओपनिंग इनटू, जो सर्विक्स होता है, ये जो सर्विक्स होता है इज द ओपनिंग इनटू द यूट्रस। तो देखो, ये जो सर्विक्स होता है ये यूट्रस में जाके ओपन होता है फ्रॉम द वजाइना, वजाइना से यूट्रस में ओपन होता है। यूटेरिन कैविटी क्या होता है, वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट। देखो, ये जो पार्ट होता है ये यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, यूटेरिन कैविटी। ये हमारा पार्ट यूटेरिन कैविटी है बच्चों। यूटेरिन कैविटी वो जगह होती है जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एग का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एग यहाँ पर पहुँचेगा यूटेरिन कैविटी में, तो ये यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, एम्पुला क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन यूजली अकर्स हेयर। मतलब देखो, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जो एम्पुला, मेनली या जनरली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहीं पर होती है, जैसे स्पर्म और ओवम यहाँ पर मिलेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस द यूटेरिन ट्यूब कनेक्टिंग एम्पुला टू द यूटेरिन कैविटी। मतलब
यहाँ पर स्थमस क्या होता है कि यूटेरिन ट्यूब कनेक्टिंग, जो यूटेरिन ट्यूब होती है, ठीक है, ये जो यूटेरिन ट्यूब होती है कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूटेरिन कैविटी, यानी कनेक्ट होती है एम्पुला और यूटेरिन कैविटी, यानी एम्पुला और यूटेरिन कैविटी से कनेक्ट होती, इसी को हम लोग स्थमस बोलते हैं बच्चों। उसके बाद में आ जाता है इनफैंडिबुलम। इनफैंडिबुलम क्या होता है, ये फिनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी विच फिम्ब्री आर अटैच। देखो ये हमारा ये जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये इनफैंडिबुलम होता है, ठीक है, इनफैंडिबुलम होता है, ये वो पार्ट होता है जो क्या होता है ओवरी टू विच फिम्ब्री आर अटैच, जिससे फिम्ब्री अटैच्ड होती हैं, ठीक है। फिम्ब्री क्या होता है, फिम्ब्री विच कैप्चर द ओवम फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी। फिम्ब्री वो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्या करता है ओवरी के सरफेस से ओवम को कैप्चर करता है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों कुछ पार्ट और, जैसे हम एंडोमेट्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा एंडोमेट्रियम, ठीक है। देखो बच्चों एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम वो जगह होती है जहां पर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, ठीक है, मतलब इसी एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट यहीं पर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम जो फीटस होता है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है, उस फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये हमारा एंडोमेट्रियम करता है जो इनर पार्ट होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मायोमेट्रियम क्या होता है। देखो मायोमेट्रियम ये वाला पार्ट होता है, मायोमेट्रियम ये, ठीक है, ये मायोमेट्रियम पार्ट है। मायोमेट्रियम पार्ट का फंक्शन बच्चों ये होता है कि मायोमेट्रियम क्या करता है कि मायोमेट्रियम ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा बाहर की ओर आता है जन्म लेने के बाद में, तो ये क्या करते हैं उस रास्ते को और थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये फंक्शन होता है मायोमेट्रियम, यानी बर्थ में ये हेल्प करते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। पेरीमेट्रियम क्या होता है बच्चों, पेरीमेट्रियम वो पार्ट होता है जो एक वाइट कलर का लुब्रिकेंट या एक फ्लूड प्रोवाइड मतलब सेक्रेट करते हैं, ठीक है, ये वाइट कलर का जो फ्लूड आगे की ओर आता है तो ये वजाइनल यानी जो सर्विक्स पार्ट होता है, सर्विकल कैनाल पार्ट होता है या वजाइनल पार्ट हो उसको बिल्कुल चिकना कर देते, लुब्रिकेंट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, तो ये क्या करता है पेरीमेट्रियम, ये उसको यहाँ पर एक लुब्रिकेंट लेता है जो फ्रिक्सेशन मतलब एक प्रकार से यहाँ पर इस रास्ते को चिकना कर देता है, जिससे क्या होता है कि जब कोई लेबर पेन स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी जब किसी फीमेल को लेबर पेन स्टार्ट होता है और बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो पेरीमेट्रियम पहले से लुब्रिकेंट यहाँ पर सेक्रीजन स्टार्ट कर देता है। वो लुब्रिकेंट क्या करता है उस सर्विकल कैनाल मतलब उस वजाइनल पार्ट को क्या कर देता है, बिल्कुल चिकना कर देता है और सॉफ्ट कर देता है, जिससे जो बच्चे का जन्म होता है वो आसानी से बर्थ हो जाती है, ठीक है, वो फंक्शन होता है हमारा पेरीमेट्रियम का बच्चों। ये देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये जो पार्ट दिया गया इसको बोलते हैं सर्विक्स पार्ट, और यहाँ पर सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल वो जगह होती है जहाँ से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ब्लड बाहर की ओर इसी रास्ते से आता है, ठीक है, और इसी रास्ते से आउटपुट हो जाता है, ठीक है। बाकी वजाइनल पार्ट आप जानते हो, वजाइनल पार्ट इज़ द लास्ट ओपनिंग पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वजाइना इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप है। जब भी वजाइना से क्या होता है, जब सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो वो वजाइनल
पार्ट के थ्रू ही होते हैं, और वजाइनल पार्ट से ही क्या होता है, यूरिन भी आउटपुट की जाती है, ठीक है, और उसी वजाइनल पार्ट के थ्रू क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, यानी बच्चा बाहर की ओर जो आता है वो वजाइनल पार्ट के थ्रू ही आता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी ली, हमने सिर्फ अभी बेसिक चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से टर्म हैं, कौन कौन से इस पार्ट यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं उन पार्ट्स के बारे में हमने सिर्फ डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि इन हर एक पार्ट को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली पढ़ना है। जैसे हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया ओवरी, तो ओवरी के स्ट्रक्चर से लेकर उसके बारे में उसकी एनाटॉमी वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डीपली, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।